बदायूं सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कबूलपुरा के निवासी फार्मासिस्ट शाकिर अली 15 अक्टूबर को अचानक गायब हो गए थे। आपको बता दें कि परिजनों ने उनके लापता होने की रिपोर्ट सदर कोतवाली में दर्ज कराई थी, लेकिन तब से उनका कोई पता नहीं चल पाया था। इस मामले में शाकिर अली के परिजन और अस्पताल के कर्मचारियों ने कई बार पुलिस अधिकारियों से मुलाकात भी की, लेकिन उनकी बरामदगी में कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के कर्मचारियों ने हाथ पर काली पट्टी बांध विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस से शाकिर अली की जल्द बरामदगी की मांग की है। साथ ही डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष प्रदीप चतुर्वेदी ने बताया कि वो अगले 10 दिन तक काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। यदि इस दौरान फार्मासिस्ट शाकिर अली की बरामदगी नहीं होती है तो वो 2 घंटे का कार्य बहिष्कार भी करेंगे। आज आपने विरोध प्रदर्शन किस बात का किया? जिला चिकित्सालय में फार्मासिस्ट शाकिर अली पिछले 15 अक्टूबर से लापता है, जिसकी रिपोर्ट संबंधित कोतवाली में उनके परिवार द्वारा की गई थी। और एक 24 अक्टूबर को डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन द्वारा भी ज्ञापन SSP जिलाधिकारी CMO अन्य लोगों को दिया गया था, लेकिन अब तक शाकिर अली का कोई सुराग नहीं मिल पाया है, किसी तरह की कोई खबर नहीं आई है। तो इसी के विरोध में आज से कर्मचारी और डॉक्टर्स लामबंद हुए हैं। आज से संडे इतवार तक काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और सोमवार से इसी स्थिति में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जाएगा 1 हफ्ते का, और आगे की रणनीति उसके बाद तय की जाएगी। क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि जल्द से जल्द उनका पता चले, वो कहाँ है, कैसा है, क्या है, कुछ खबर ही नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं। तो जल्दी से जल्दी उनकी खोज हो और वो अपने हम लोगों से जहाँ भी हैं, जैसा भी है, जिस हालत में है, तो उनको जल्दी से